देश के चीफ जस्टिस का बड़ा बयान। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशे को क्यों बताया सामंती। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशे को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से ही वे लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशे को लेकर अपने एक बयान में कहा कि ये पेशा दुर्भाग्य से सामंतवादी रहा है, जिसमें महिलाओं और हाशिए के समुदायों का स्वागत नहीं किया जाता। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने भारत के चीफ जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। इस सम्मान समारोह के दौरान हार्वर्ड में केंद्र निदेशक डेविड बी विल्किंस ने जस्टिस चंद्रचूड़ से बातचीत भी की। उनके साथ अपने बातचीत के दौरान उनसे कानूनी पेशे से जुड़े कई पहलुओं को लेकर सवाल किए गए और उन पर उनके विचारों को जाना गया। इसी बातचीत के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशे से जुड़े एक ऐसे पहलू को भी उजागर किया जो चिंता और सुधार का विषय हो सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड में केंद्र के निदेशक डेविड बी विल्किंस के साथ बातचीत के दौरान कहा कि दुर्भाग्य से कानूनी पेशा सामंतवादी रहा है और महिलाओं और हाशिए के समुदायों का स्वागत नहीं करता। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनसे अक्सर पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या कम क्यों है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका जवाब उस पेशे में है जो 3 दशक पहले था। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जजों का पूल उस पूल से है जो 3 दशक पहले का है, यानी सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जज 3 दशक पहले के पूल से हैं। उन्होंने कानून के क्षेत्र में बदलाव पर कहा कि भविष्य में अगर बदलाव लाना है तो कानूनी शिक्षा देने वाले संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कानूनी शिक्षा तक पहुँच का लोकतंत्रीकरण करना होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उनके साथ कानून की पढ़ाई करने वाले साथियों में से कई ऐसे थे जिनका कानून से कोई पारिवारिक संपर्क नहीं था। ऐसे में चुनौती ये थी कि उन्हें कैसी सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि कानूनी शिक्षा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करके लॉ स्कूल इसे बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह अकेला एक ज्यादा समावेशी समाज सुनिश्चित कर सकता है। सीजीआई ने आगे कहा कि भारत में न्यायिक तंत्र में सुधार की जरूरत है, लेकिन हम आम लोगों तक कानून के सुलभ तरीके से पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ये बात सही है कि व्यवस्था में कई खामियां हैं जिसके लिए मिलकर ही रास्ता निकालना होगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर से ही कानून और न्याय शास्त्र में LLM की डिग्री हासिल की थी। ऐसे में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अपने पुराने छात्र रहे जस्टिस चंद्रचूड़ को ये पुरस्कार देश और दुनिया के न्यायिक क्षेत्र में उनकी सेवाओं और उपलब्धियों के लिए दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।